सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मैं अरावली पहाड़ों की इस श्रृंखला में आया हूँ और यहाँ एक ये बहुत सुंदर पेड़ है, इसको निरगुंडी कहते हैं, इसको माला भी कहते हैं, और इसके उपयोग के बारे में आज बात करेंगे। इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत ही बढ़िया बताया है। जैसे एक रोग होता है, आँखों में आंसू बनने बंद हो जाते हैं, आँखें ड्राई होने लगती है, आर्टिफिशियल आंसू व्यक्ति को डलवाने पड़ते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है मॉडर्न मेडिकल साइंस में। निरगुंडी का एक ऐसा प्लांट है ये, जो इसके पत्तों के रस को आप निकाल कर आँखों में यदि डालते हैं तो आँखों में नेचुरल आंसू बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लुब्रिकेशन आने लगता है आँखों में। दूसरा, इसका प्रयोग वात और कफ के रोगों में तो अद्भुत है। जिनको शरीर में दर्द रहता है, इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 15-20 पत्ते आप तोड़ें और उसको काढ़ा बनाएं और सुबह और शाम दो बार खाने के बाद प्रयोग करें। जिनको कफ रहता है उसमें थोड़ा दो काली मिर्च डाल लें और थोड़ा मुलैठी डालकर इसका काढ़ा बनाएं इसके पत्तों का, और खाने के बाद सुबह शाम आप प्रयोग करें। तो ये वात और पित्त, वात कफ और पित्त के रोगों को भी ये नाश करता है, तो इसका आप ज़रूर प्रयोग करें। निरगुंडे ये आपको बहुत मिलेगा सभी जगह, आप इससे लाभ उठाएं। आप सभी के लिए बहुत आशीर्वाद, सभी का कल्याण हो।